बाबा इतना खुश है हाँ। पोता के लिए कपड़ा किसी को धोने नहीं देते, हम भी खुश है कि नहीं धोना पड़ रहा। अरबों बार स्वर्ग के चरण धन्यवाद करती हूँ, यह दिन दिखाया हमको। अब रितु चाची बने हो, आप लोग इतना शुभकामना दिए इसलिए महादेव हमको 2 से 3 बना दिए। इस पल को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता है और लाख हजार अरबों बार में ईश्वर के चरण धन्यवाद करती हूँ, यह दिन दिखाया हमको। दादी के लिए सबसे ये सौभाग्य की बात है जो कि वंश आगे बढ़ा हमारा और बहुत हम खुश हैं और आप लोग के आशीर्वाद से ही होगा। आप लोग इतना शुभकामना दिए इसलिए महादेव हमको 2 से 3 बना दिए। अभी अभी जी सो करके उठे हैं, उधर जिया सोई हुई है, इधर जो है दादी माँ उठ गई है बच्चे की और यहाँ पर यहाँ बालक जो है यह भी सो करके उठ गया है। तो आज जो है सब लोग मजे में सोए हैं, बालक भी मजे में सोया था, जिया भी मजे में थी, सब मजे में थे क्योंकि यह डिस्टर्ब नहीं किया किसी को, विंड डिस्टर्बेंस ही करता है। हो गया मेरा बच्चा का, देख सकते हैं अभी उठ गया है। भूख लगा बाबू को, खाना चाहिए। कुछ देर पहले ही सोकर के उठे हैं और आज रात जो है लगता है सभी लोग चैन से सोए हैं, मजे में सोए हैं, चाहे हम हो, चाहे बेबी हो, चाहे माँ हो उसकी, तो सभी लोग अच्छे से सोए हैं क्योंकि वह चैन से सोने दिया सभी को, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया, आराम से अपना जो भी है, आराम से जो भी उसको अपना भोजन था अपना ले लिया और आराम से सो गया। उतने देर वो उठा जगाया किसी को जितने देर उसको अपना खाना खाना था, बस खाना खा के फिर वो सो गया। बहुत ही आराम से सोया। तो मम्मी जी आ चुकी है, अच्छा पापा जी भी आ गए, आइए पापा जी। अब उसके बाद हम लोग अब विदा लेते हैं, आप लोग का ड्यूटी आवर शुरू हुआ, हम लोग का ड्यूटी आवर ऑफ हुआ, यहाँ से जाएंगे 1 घंटा में आएंगे हम फिर। तो अभी हम लोग चल रहे हैं जी घर, जिया के मम्मी पापा है यहाँ पर, तक चल करके हम लोग दोनों माँ बेटा का रात का ड्यूटी था, अब हमारे ड्यूटी शिफ्ट खत्म हुआ, बिल्कुल उनके नानी नाना के है, बिल्कुल डे ड्यूटी उनका है, अब हम लोग जा रहे हैं आराम से। तो बिल्कुल जी, तो हम लोग चलते हैं घर, वहाँ पर जाकर के स्नान करेंगे, खाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो हम पहुंच गए जी रूम और यहाँ पर देख रहे हैं मम्मी यहाँ पर जो है खाना बना रही है सभी के लिए। अब ऐसा करते हैं जी जा करके जल्दी से हम नहा लेते हैं, कमाने वाला बेटा। हाँ ठीक है, इसलिए देना होगा, हम कभी मना किए हैं, बहन लेंगे और रितु लेंगे, सब लेंगे। ठीक, घर से आ गए हैं जी हॉस्पिटल, यहाँ पर जिया और जिया के मम्मी पापा है और साथ में यहाँ मिठाई लेती आए हैं, कुछ ना कुछ गेस्ट आते जा रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए, तो मिठाई ले लिया, जो भी आएंगे उनको यह खुशी का मिठाई दे देंगे। तो सीधा चलते हैं अंदर। जी दोस्त का शादी हमने अटेंड कर लिया है, दोस्त की शादी अटेंड करने के बाद अभी और अपना ड्रेस चेंज कर लिया है ताकि थोड़ा लाइट कपड़ा पहन लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना देख सकते हैं कितना ज्यादा है, और यहाँ से सीधा चल रहे हॉस्पिटल जहाँ पर मम्मी है, जिया है और हमारा बेबी है।
तो वहाँ सीधा चलते हैं उन लोगों के पास। तो अभी चल रहे हैं जी हॉस्पिटल मम्मी को लेकर के। जिया वहाँ पर है, जिया की मम्मी वहाँ पर है, जिया के पापा सब सभी वहीं पर है, तो चलते हैं वहाँ पर। जाने की बात हो रही है, उस समय कोई फैशन की आवश्यकता है नहीं। अच्छा। ये कहता मैं गंजी पहना था, बोले घर में कौन चप्पल पहन के रहा। पहले जी पहुँचते हैं हॉस्पिटल और सीधा चलते हैं जिया के रूम। जिया ने कहा था सब लेकर के आने के लिए, तो तकिया सब तो ले लिया, चलते हैं सीधा अंदर। हॉस्पिटल से जी हमने जो भी कपड़ा लाया था बाबा ने जो है सभी को साफ कर दिया है और अभी सभी को समेट रहे हैं। सब हो गया साफ, सब साफ हो गया। हाँ हाँ, डिटोल डाल दी, डिटोल डाल के होल्ड करके सिखा करके सब रख दिया। और हमारे पोता के ये बाबा रहते हुए कपड़ा के हमको नहीं धोना पड़ता है, सारा बाबा डिटोल दे करके धो के हॉस्पिटल के लिए तैयार रखते हैं। और हम लोग एक दिन दे जाते हैं, दूसरे दिन सुबह में आके फिर ले जाते हैं। बिल्कुल। और बाबा इतना खुश है, पोता के लिए कपड़ा किसी को धोने नहीं देते, हम भी खुश है कि नहीं धोना पड़ रहा। तो बच्चा वहाँ से आया नहीं है, हमेशा उसका पुराना कपड़ा का तैयारी बढ़ा ले जाने के लिए, नया तो है नहीं। बिल्कुल, पुराना कपड़ा भी हमेशा उसके पास पहुंचाया जाता है। हम लोग के यहाँ होता है ना कि शायद छठी से पहले हम लोग नहीं देते हैं कोई भी नया कपड़ा, हम लोग के यहाँ नहीं दिया जाता है, जब छठी होगा ना तो उसी समय। और लोग के यहाँ तो छठी के दिन भी नया नहीं दिया जाता, जैसे मेरे मायके में। अच्छा। मेरे ससुराल में छठी के दिन नया कपड़ा दिया जाता है, इसलिए हम ना दो हमारा लड्डू है लड्डू का कपड़ा ले लिए, और वो जो छुटकी है हमारी अनुषा उसका कपड़े हम लेके आए थे, गोती होगी अनुषा को पहनाएंगे। अनुसार का आपने देखा होगा विशाखापट्टनम वाले ब्लॉग में, जब हम एक भैया के यहाँ गए थे जो विशाखापट्टनम में रहते हैं, उन्हीं की बेटी के बारे में चर्चा चल रहा है। हम सोचे पोती होगी तो उसका कपड़ा पहना लेंगे, पोता होगा तो लड्डू का पहना लेंगे। अच्छा, तो पूरा एकदम प्लानिंग करके आई थी दोनों हिसाब से, इसलिए हम आए थे कि मेरी पोती भी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए पोती बहुत काम कर देगी, पोता तो खेल उल के आएगा भाग जाएगा। पोता पोती में कोई फर्क नहीं है। मैं खुद अपने से ही ये कहती हूँ, छोटी सी बात जो कि मैं 15 आदमी को हमेशा खिला सकती हूँ। और दूसरी बात, भारत में इंदिरा गांधी जैसी कितनी बेटी है। सही बात है। मोनू अपना पढ़ाई कर रहा है इसको, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे नहीं, लेकिन इसका रिएक्शन जानना चाहते हैं, क्योंकि हम तो डिलीवरी के समय थे नहीं, हम गए थे सामान लाने के लिए वहाँ, और मोनू था वहाँ पर, हम सीढ़ी पर चढ़े तो मोनू कहता बेटा हुआ। हम कहे कि भाई इतना जल्दी कैसे कैसे हो गया। हुआ क्या कि 10 मिनट पहले ही तुम निकले थे, 5 मिनट में वो रूम दिया है। अच्छा। उसके बाद उसको तुरंत ओटी लेकर के चला गया। हाँ। मतलब जब तक हम उसका इंजेक्शन का वो लेने के लिए गए, दवाई देता है इंजेक्शन में, इंजेक्शन देता है। तब तक उसको ओटी में शिफ्ट कर दिया। अच्छा, ठीक है। फिर हम रिलैक्स होकर के बाहर खड़े थे। हाँ। फिर हमको आकर के नर्स पूछती है कि कपड़ा आया बच्चा लपेटने वाला। अच्छा। हम बोले भैया लेने के लिए गया है। हाँ। बोला आप जल्दी से जाइए, नीचे में बिकता है, खरीद करके ले आइए। हाँ। ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्टर भी मेरे साथ साथ ऊपर आई। ठीक है। हम बस खड़े थे आराम से, 8 से 10 मिनट पहले वो अंदर घुसी है, थोड़ा देर पहले बच्चे का चिल्लाने का आवाज आया। अच्छा, आवाज आ गया था रोने का। पहले किसी दूसरे बच्चे का आया। ठीक है। मम्मी कहती है लगता है हो गया। फिर वो लगा कि किसी बड़े बच्चे का आवाज है। हम बोले नहीं, अपना नहीं है। अच्छा। लेकिन कुछ समय के बाद ही फिर आया चिल्लाने का आवाज। अब मम्मी बोलती है कि नहीं पक्का अपना ही है। ठीक है। तब तक तुम सीढ़ी पर था, तो हम तुमको बताएं कि बेबी हो गया है, पता नहीं है क्या हुआ है। मेरा दिमाग सुन गया। हम लोग इतना खुश थे, इतना खुश थे। मतलब हर 2-3 मिनट पे कुछ ना कुछ न्यूज बाहर आ रहा था। अच्छा। चौथे 5वें मिनट जो है आया कि बेबी अपना ही है। अपना ही है। वाह। उसके बाद फिर तुम ऊपर आए हो, फिर बाहर आ गए। अच्छा। 10 बार तुम घर ही आए हो उस दिन। अब रितु चाची बने हो, कुछ बताओ अपना एक्सपीरियंस उस दिन का, जब हम तुमको बताए थे कि तुम चाची बनी है, कैसा फीलिंग है? बहुत अच्छी खुशी मिली। पहली बार चाची बनी हो, बधाई संदेश आया है पूरा? बहुत ज्यादा। अच्छा। मम्मी अब ये बताओ, तुम सारा सब्जी कैसे मेरा खराब कर दी उस दिन? ये इतना खुश हो गई जो कि सब्जी हम लोग बना के गए थे कि साग बना है, जो साग को हमने दाग लिख दिए थे जल्दीबाजी में, तो उसको भी इतना खुश थे कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, अब आज ही हो जाएगा, तो खुश को साग को दाग लिख के चले गए। और उसमें जो हम वहां से आए कि खाएंगे, तो रितु क्या की इतना खुश हो गई चाची बन के, जो सारा बाहर छोड़ दी, खाने भी नहीं मिला। रितु हमसे पूछती है
कि दो घंटा के बाद में स्टोरी लगा सकते हैं क्या? हम बोले नहीं, पहले यूट्यूब पर तो डिस्क्लोज होने दो, उसके बाद हम लोग स्टोरी लगाएंगे। हर आदमी को रोक रहे थे कि ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देखा जाए। हम जान रहे थे कि इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देखना, लेकिन इतना ये लोग खुश थी, जिसको जो मर्जी आए, जिसको खबर करते थे कि नहीं डालो स्टोरी पे, लेकिन फिर भी आदमी डाल ही रहा था। लेकिन अब क्या करें, सबकी खुशी अपनी अपनी। देखो खुशी का तो बात, लेकिन सारा जो हकीकत है, आप ये जो अभी जो वीडियो यूट्यूब पे पड़ेगा, इसके माध्यम से सारा सच्चाई आप लोग को मिलेगा। अभी तो ऐसे ही जिसको जो मर्जी आ रहा है अपने मन से ही, सब आदमी अपना अपना खुशी व्यक्त कर रहे हैं। बात ये है कि अभी तक घर में सबसे छोटे हम थे, अब हमसे भी छोटा आ गया है, तब वो मेरा पोस्ट खाली हो गया। सच में हम लोग बहुत ज्यादा खुश है, और डैडी दीदी जो है उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। वो तो अपने बच्चे को गोद में नहीं लिए कि हम ही लोग पाले हुए थे। अलग लेवल का खुशी, हमको तो तुम देख ही रहे थे, हम तो बच्चे को डर से नहीं उठा रहे थे, इतना छोटा नाजुक बच्चा कैसे उठाए समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सच में बहुत ज्यादा खुशी है हम लोगों को। इनके बाबा तो इतना खुश हैं, जब सुबह सुबह जब आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि कुछ तुम लेके आइयो फोटो वोटो, हमें दिखा दो।